कोई चिल्लाना नहीं है प्लीज। विस्तार में बता, डिटेल में बता कि वो आदमी तुझे कहाँ मिला, कैसे मिला और तू करोड़पति कैसे बना। एक आदमी मुझे मिला। रिक्शा? मैं रिक्शा नहीं हूँ। तू क्यों इतनी पीते है भाई? इतने भेटला और नका भेटू। ये तो इधर ही आ रहा है। ओ भाई साहब, टेम्पो आ रहा है भाई साहब, हटिए, रुक जाओ। ए तुम रख लो, मेरे जान बचाने की छोटी सी कीमत। और इस तरह मेरे लाख मना करने के बाद भी उस आदमी ने ये बैग मुझे इनाम में दी। मेरे हिसाब से तो ये तुझे नक्की करना है कि तुझे सोना रखना है या लौटा देना। रखना चाहता हूँ। इस वक्त तो ना आया होगा। आहो, जब आप बैग लेकर आ रहे थे तब आपको किसी ने देखा तो नहीं था ना? मधवी, मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन अगर किसी ने मुझे देखा होगा तो मुझे नहीं मालूम। आए तो फिकर ना कर पिड़ो, तेरे दोस्त रोशन सिंह सोढ़ी के होते हुए तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और मैं देखता हूँ कौन है। कोमल भाभी, मुझे लगा चोर है। सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दी आ जाओ अंदर। कोमल भाभी क्या हुआ? क्या अभी तक घर पर नहीं आए तो मैं देखने चली आएगी, क्या टेंशन है? कोमल, बड़े मास्टर को 125 करोड़ का सोना मिला है। हाँ। दरअसल कोमल हुआ यूं, अभी कांग्रेस मत कीजिए कोमल भाभी, क्योंकि मैंने अभी तक तय नहीं किया कि ये सोना मैं रखूंगा कि नहीं रखूंगा। वैसे मुझे सोना रखना गलत लग रहा है। कमाल कर दिया पिड़ू, हम सबके जब तेरे को सुननी नहीं है और तुझे हमारी बात गलत ही लग रही है तो हम सबको सलाह देने के लिए बुलाए क्यों? सोढ़ी, अच्छा चलो मान लेते कि ये इनाम मैं रख लेता, लेकिन इतना सारा सोना मैं रखूंगा कहाँ और इनकम टैक्स वालों को क्या जवाब दूंगा? अरे भाई, ये सोना बेच के तो टैक्स भर देना, फिर क्या टेंशन है? कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है तू, हाँ? सही बात है। नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए, उनको सब बताना चाहिए। अरे अभी तक तो तुम्हें ये भी पता नहीं है कि ये सोना जो उस आदमी ने तुम्हें दिया उसका खुद का है या चोरी का है, और उस आदमी का आता पता भी तो नहीं मालूम तुम्हें। तुम जानते भी नहीं हो वो कौन था, कहाँ का रहने वाला है, कैसे तुम्हें सोना दे गया, तो इतने सारे सवालों का क्या जवाब दोगे तुम पुलिस को? एक बार तुम ये तय कर लो तुम्हें सोना रखना है या नहीं रखना। सही बात भाई, मेहता साहब की बात बराबर है। बिड़े जैसे मेहता साहब ने बोला, सवाल बहुत सारे है, तो तू एक काम कर, तू शांति से सोच ले, हा? तुझे सोना रखना है कि नहीं रखना है। मेरे हिसाब से ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते, और वैसे भी क्या अभी आधी रात को ये सब जोखिम लेकर पुलिस स्टेशन जाना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए तो अभी शांति से सोचा, सुबह उठ के फिर तो एकदम फ्रेश ऐसे दिमाग से सोचना क्या करना है, ठीक है? क्या बोलते भाई साहब? देखो बेटे, हम लोग सुबह 9 बजे मिलते, उसके बाद डिसाइड करते क्या करना है, अभी तुम आराम से सो जाओ बस। मेहता साहब, घर में इतना सारा सोना है तो नींद कैसे आएगी? हाँ, इतना सोना घर में होगा तो चैन ही नहीं पड़ेगा। और तुझे डरो नहीं, और रोशन सिंह थोड़ी है यार। अरे माधवी बाबी, भिड़े इतने सी बात में आप लोग इतना क्या टेंशन ले रहे? हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एकदम सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चिंता मत कीजिए। अगर ऐसी बात है जेठा, तो ये सोना तुम अपने पास रखोगे प्लीज? हाँ, उसमें टेंशन की क्या बात है, दया संभाल कर रख देगा। अरे पिड़ो, नहीं पिड़ो नहीं, ओ करोड़पति पिड़ो, अब सारी चिंता दूर होगी ना। डोमला था करोड़पति, टेंशन हो रहा है मुझे यहाँ। अरे भीरे भाई, रिलैक्स। अभी तो टेंशन मत ले, आराम से सो जा, चलो अभी हम लोग चलते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ, लेकिन एक मिनट, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सोने की बैग वाली बात किसी को बताना नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट भीरे भाई। अरे हेडी मास्टर, कैसी बात कर रहे हैं तू? ऐसी बात कोई किसी को बताता है? पोपटलाल, तुम खास ध्यान रखना। क्या मतलब है भाई जेठालाल? मैं क्या तूफान एक्सप्रेस में छाप दूंगा कि भिड़े को 125 करोड़ का सोना मिला है? नहीं नहीं पोपट भट,
अरे ऐसी बात नहीं है, मान लो कल को तुम्हें किसी लड़की का रिश्ता आया तो गलती से तुम ये ना बोल बैठो कि भाई मैं उस सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। जेठालाल, पोपटलाल, बस बस बस, पोपटलाल किसी को नहीं बताएगा, नहीं बताएगा ना? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बताऊंगा? नहीं नहीं, और हाँ, टप्पू सेना को भी ये बात कोई नहीं बताएगा। हाँ बराबर है, टप्पू सेना कहीं भोलेपन में किसी को कुछ कह देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जेठालाल, बैग जरा संभाल कर रखना प्लीज। हाँ चिंता मत कर, एकदम संभाल कर। अरे ये इस चेन से बैग को बांध के रखो। अरे भाई मैं यहाँ घर चल के जा रहा हूँ, ट्रेन में थोड़ी जा रहा हूँ। हाँ लेकिन सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा ना। ओहो, भीड़ में खावा का चिंता कर रहे हैं। अरे भाई मैंने बोला ना, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एकदम सुरक्षित है, तो बिल्कुल चिंता मत कर, तू आराम से सो जा, कुछ नहीं होगा। वो जरा बैग संभाल के जेठालाल। अरे क्या गुड नाइट आती भाई, हाफ गुड नाइट बोलिए, आधी रात तो चली गई है। सही बात है, हाफ गुड नाइट। ओके ओके कमल भाभी, चलो भाई ये सूट बूट उतार के सोना। ओके मेहता साहब, ओके चलो। जेठालाल बैग जरा संभाल के रखना। क्या बोल रहे हो? बैग संभल के रखना। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है तू? सॉरी मला असते उड़ाचा येत नाही, नाहीतर आला असता तिकडे वरती। बैग संभल के रखना। अरे डांसे डांसे, क्या तुम्हारे हाथ में जो बैग है ना, बैग वो संभाल के रखना। बैग संभाल कर रख। हाँ भाई वो तो संभाल के ही रखूंगा ना भाई, बस वही बोल रहा था। हाँ संभाल, चिंता मत कर, संभाल कर रखो। भीड़े भी बैग की बहुत चिंता कर रहा है। नहीं करनी चाहिए ना। एक काम करो, ये जो 1.25 करोड़ का सोने का बैग है ना, तुम अपने घर में रख लो आज रात। लेकिन चिंता तो करनी चाहिए, मैं कह रहा था चिंता करनी चाहिए लेकिन इतनी नहीं करनी चाहिए। अच्छा चल जल्दी। अच्छा हाँ, गुड नाइट गुड नाइट, हाफ गुड नाइट, आधी रात गई भाई। चलो भैया ओके ओके, टेक केयर। कैसे फंस गए, क्या कर रहे थे आप? अरे कुछ नहीं, बात कर रहा था। किससे? अरे टिकड़े नहीं, नीचे बात कर रहा था। ओके भाई किससे बात कर रहे थे आप? काय झालं तुम्हाला? अरे जेठालाल खड़ा था, उससे बात कर रहा था, उसे बोल रहा था कि उसके पास जो बैग है वो संभाल के रखे। आपको भी ना चैन नहीं है, जेठा भाई ने कहा ना वो संभाल कर रखेंगे सोना, वो तो संभाल कर रखेंगे ना। क्या अभी अभी बात करोगी, मुझे हेल्प करोगी? नहीं नहीं काट दे मां, हलू थाम मां, हलू खाली खाली। हां बरोबर बरोबर, या 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 बाहर 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 बाहर। अरे ये तो बहुत इजी था, ठीक है। आ गया चलाना आता। आप आ गए? अरे तुम जाग रही हो अभी तक? हाँ बताइए ना, क्या हुआ भिड़े भाई के वहाँ? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? एवरीथिंग ओके? अरे दिलीप भरा हूँ मैं, खुद ही कंफ्यूजन में हूँ कि क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा कि बात टेंशन वाली है या खुशी वाली। मतलब तब गई हूँ। तो ये बात है, बाप रे इतना सारा सोना, यानी भिड़े भाई के घर इतना बड़ा टेंशन है। आ, लेकिन वो टेंशन अभी जेठालाल के घर में है। हा? पर अभी तो आपने कहा कि सोने के बिस्किट से भरा बैग भिड़े भाई को गिफ्ट मिला है, तो जेठा भाई की वहाँ टेंशन? अभी वो सोना भिड़े को ही मिला है, लेकिन भिड़े को डर लग रहा था कि 1.25 करोड़ का सोना मैं अपने घर में कैसे रखूं। तो उसने जेठालाल को दे दिया, रात को तुम अपने घर में रख लो, तो वो टेंशन वहाँ शिफ्ट हो गया। कैसा है ना तारक,
अपनी गोकुलधाम सोसाइटी से एक टेंशन जाता है तो दूसरा टेंशन कहीं ना कहीं से वापस आ ही जाता है। और आज देखो टेंशन ने जो आने का टाइम चुना अभी आधी रात को। हाँ तारक आपने बिल्कुल सही कहा, पता ही नहीं चल रहा कि ये खुशी की बात है कि टेंशन की बात है। लेकिन कुल मिला के टेंशन तो है अंजलि, और अभी जेठा के घर में है। भीड़े भाई की तो किस्मत खुल गई। अरे एक ही रात में करोड़पति बन गया बापूजी। ये नए साल की शुरुआत भीड़े के लिए धमाकेदार रही नहीं। ले ले दे इसको संभाल कर रख दे भाई। हाँ सोना है 1.25 करोड़ का। बापूजी आपको क्या लगता है ये सोना चोरी का होगा? उस आदमी ने जब भीड़े को बैग दिया तो मैं वहां था नहीं। जिस आदमी ने भिड़े को बैग दिया क्या मैं उसे जानता हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं। तो बाबू सर मुझे कैसे पता होगा? मुझे क्यों पूछ रहे? ऐसे ही। क्या ऐसे क्या मतलब? क्या मतलब? सॉरी ये क्या सोने की बैग यहाँ क्यों रखी? क्या अरे आप जोर जोर से सोना सोना ऐसा मत बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने सुन लिया तो? ठीक है ये सोने की बैग यहाँ क्यों रखी है? मेरी माँ हमेशा कहती है चोर लोग जब चोरी करने के लिए आते हैं ना तब उनकी नजर घर की तिजोरी की तरफ होती है, बाहर इतना कीमती सामान नहीं होगा ऐसा चोर लोग सोचते हैं, इसलिए मैंने बैग को यहाँ रख दिया। नहीं सासुमा का आइडिया बराबर है लेकिन फिर भी ये बैग को अभी तू अंदर तिजोरी में रख दे। अरे मेरा भाई बोला उतना कर ना भाई, ये बाहर रहेगी तो मुझे नींद नहीं आएगी, अंदर रख। ठीक है मुझे नींद आएगी। चल 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 जल्दी। ठीक से अंदर रख देना बैग। सूरज का उगना, पत्तों का गिरना और दया को सौंपे हुए काम के लिए दया पे कभी संदेह नहीं करते। अरे बैग अंदर रख दी कि नहीं बराबर वो पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देना भाई। हाँ बाबा रख दी। अच्छा मैं क्या कहती हूँ? बस चलो सो जाओ, आंख बंद करो मुंह बंद करो चुपचाप सो जाओ चलो। नींद आ रही है ना? नहीं आ रही है माधवी। आपको नहीं लगता ये सोना हमारी नसीब का है? याद है सुबह सोड़ी भाई ने कहा था किस्मत और सड़क कब टर्न ले ले पता नहीं चलता। माधवी पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोने की वजह से हम लोग मुसीबत में फंस सकते हैं। आप टेंशन में है ना इसलिए ऐसा नकारात्मक सोच रहे हैं। जरा ऐसा सोचिए ना कि उस इंसान ने अपने अपने दिल से सच्चे दिल से आपको ये सोना दिया है। जरा सोचिए अगर हम लोगों ने इतना सोना बेचा तो कितना पैसा आएगा अपने पास, और इन पैसों से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग नई गाड़ी खरीद सकते हैं। विदेश घूमने जा सकते हैं। सोनू सोनू फाइनली हम लोग पेरिस में हैं। तुम्हारा आईफेल टावर देखने का सपना पूरा हो गया। थैंक यू भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। हाँ हाँ, we have different kind of pickle. Yeah yeah, mango pickle, lemon pickle we have. हाँ. Hello. एक सेकंड. हाँ भिड़िया अचार पापड़ एक में अचार पापड़। हाँ जी हाँ जी। सोनू को पढ़ाई के लिए विदेश भेज सकते हैं। सोनू की धूमधाम से शादी भी कर सकते हैं। हमारी जिंदगी मस्त आराम से कट जाएगी। देखा माधवी ये सब सोचने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हमारे लिए सपना ही है ये सब। आपको अभी भी सपना ही लग रहा है? वो 5 किलो सोना है अपने पास, उस इंसान ने इतने प्यार से दिया है तो
रख लेना चाहिए। माधवी हम लोग कल सुबह डिसाइड करते हैं क्या करना है, अभी सो जाते हैं। ठीक है। देवा, वो सोना जेठा के घर पे सुरक्षित रखना। तेरी इंफॉर्मेशन पक्की है ना? एकदम पक्की है। आत्माराम भिड़े को जो सोना मिला है ना, हाँ सोना उसने जेठालाल के यहाँ रखा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन जेठालाल के घर पे जाएंगे कैसे? कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा, चल बस। गली का दरवाजा खुला है, किसे भी नहीं खुलने लाए। नहीं खुलेगा, वो भी झूठा है। वो मूर्खों की निशानी है ना, इसलिए संभल कर रखा है। इतना नया? वो घर में अभी सब वो कलरिंग करा है ना, तो पेंटर ने गलती से उसको भी कलर मार दिया भाई। बाकी बहुत पुराना है, कुछ काम का नहीं है, कुछ नहीं उसमें। ए चुप, हमें खबर मिली है कि तेरे घर में 5 किलो सोना है। सीधी तरह से सोना दे दो वरना। देखिए देखिए भाई साहब, वो सोना हमारा नहीं है, वो हमारी सोसाइटी का सेक्रेटरी साहब है ना, आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, उनका है। तो उन्होंने अपनी जान पे खेल के किसी की जान बचाई, तो भाई साहब ने खुश होकर इनाम में उनको दिया है। खाली उन्होंने तो आज रात के लिए हमको संभालने के लिए दिया है, ये हमारा नहीं है, उनकी अमानत है भाई साहब। प्लीज प्लीज, ओ नहीं दे सकते प्लीज। तो तुम अपनी जान बचाने के लिए वो सोना हमें इनाम में दे दो। चलो। आप कहेंगे गोकुलधाम सोसाइटी में चोर आ गए और मैं गाने गा रहा हूँ, आप कहेंगे मेहता साहब का दिमाग चल गया, लेकिन दिमाग नहीं चला है साहब, सिचुएशन वही है। आप देखिए ना, पहले आप के चक्कर में लखनऊ के नवाबों की ट्रेन निकल गई थी, और यहाँ सोना रखा जाए न रखा जाए ये फैसला हुआ ही नहीं कि उसके पहले चोरों ने हाथ साफ कर लिया। क्या किया जाए, ये धन जीवन में इतनी समस्याएं लेके आता है कि पूछे मत। धन न हो तो दाल सब्जियों का भाव हमें परेशान करता है, धन हो कहाँ रखें, किसे दें, कैसे दें, इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, इतने सारी परेशानियां, इतने सारे टेंशन। लेकिन ये टेंशन धन का नहीं है, जीवन है तो ये सब कुछ होगा ही। जीवन कभी खुशी देता है कभी गम देता है, लेकिन अभी यहाँ पे चोरों ने ये सोना साफ कर दिया है, और स्टोर के पहरेदार जेठालाल भिड़े को क्या जवाब देंगे और भिड़े कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या होगा आगे? भाई अभी करोड़पति बने ही नहीं थे भिड़े के, रह गए सिर्फ पति और ऊपर से ये विपत्ति। लेकिन यहाँ कितनी भी विपत्तियां आए आप तो हंसते रहेंगे, क्योंकि यहाँ हर विपत्ति के पीछे बहुत सारे ठाक है। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और निकल। बस नहीं, और है।
कि आप ये हमारा सब ले लेंगे लेकिन भीड़े भाई का सोना छोड़ देंगे, ये तो चीटिंग है भाई। ये अपुन का काम ही चाहिए चीटिंग करना। ये डायलॉग बाजी क्या कर रहा है, सोना मिल गया ना, चल। अरे भाई छोड़। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।